अगर आप भी बोट का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और अभी आपका वो प्रोडक्ट वारंटी में है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे रिप्लेस करा सकते हैं। वारंटी किस तरह से क्लेम करेंगे, यही इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप अपनी बोट प्रोडक्ट की वारंटी को ऑनलाइन किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आपको अपने मोबाइल के किसी एक ब्राउजर में जाना है, चाहे गूगल यूज करें तो गूगल ब्राउजर में जाइए, वहां सर्च बार में टाइप कीजिए बोट वारंटी। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ही लिंक मिलेगा बोट सपोर्ट बोट वारंटी, इस पर क्लिक करेंगे। वारंटी को क्लेम करने के लिए आपको बता दें, जो प्रोडक्ट आपका जिस बॉक्स में आया है उस बॉक्स का होना जरूरी नहीं है। अगर है आपके पास तो और अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास उस प्रोडक्ट का इनवॉइस होना चाहिए, जो बिल है। अगर आपने बोट का कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजोन से मंगाया है तो उसका बिल जो है ऑनलाइन वाला वो आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से नया पेज ओपन होगा, रजिस्टर कंप्लेंट। यहाँ प्रोडक्ट ग्रुप देखेंगे, इस पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, आपके पास हेडफोन है या ब्लूटूथ है, जो नेकबैंड मंगाया है वो है, वायर्ड हेडफोन या हेडफोन्स है, ब्लूटूथ स्पीकर, केबल, साउंड बार, पार्टी, ये देखिए कि बहुत सारे कैटेगरीज दी गई हैं। आपके पास बोट का जो प्रोडक्ट है उससे आप सिलेक्ट कर लें। अगर आपके पास नेकबैंड है तो पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा, ब्लूटूथ ईयरफोन्स ऑब्लिक हेडफोन्स। उसके बाद प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट कौन सा है, जैसे बोट रॉकर्स के बहुत सारे वो नेकबैंड आते हैं, बोट रॉकर्स, इस तरह से आप जैसे टाइप करेंगे ओके, तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें से आप चूज कर लीजिएगा, जो भी आपका हो उससे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। ये नेम आपको आपके इनवॉइस यानी बिल में देखने को मिल जाएगा, आपके प्रोडक्ट का नेम क्या है। उसके बाद आपने उसको ऑनलाइन ऑर्डर करते समय जो पिन कोड भरा था वो पिन कोड आप यहाँ भरेंगे, उसके बाद टिक करेंगे, कंसेंट दे देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ध्यान रहे जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी ऑर्डर आईडी वगैरह है, जिस नाम से ऑर्डर किया है, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो आपने क्लेम किया है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इस तरह से नेक्स्ट कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर साइट जो है आपकी लोकेशन एक्सेस मांगेगी, अभी जो एक्सेस है डिनाइड है, आपको क्या करना है यहाँ पर एक्सेस दे देना है। उसके लिए यहाँ पर यस अलाउ एक्सेस टू लोकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। आपको अपने ब्राउजर की जो लोकेशन है उसको अलाउ करना होगा। अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ देखेंगे सेटिंग, उसके बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा साइट सेटिंग, उसके बाद यहाँ देखेंगे लोकेशन, ये ब्लॉक्ड है, इसको आपको क्या करना है अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल की लोकेशन को भी ऑन कर लेना है इस तरह से, फिर आपको यहाँ पर यस अलाउ एक्सेस टू लोकेशन, इस पर क्लिक करना है। फिर भी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर देखिए अभी भी ब्लॉक आ रहा है, तो आप क्या करना है, आपको आप जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको उस ब्राउजर की एप्लीकेशन डिटेल में जाना है। यहाँ पर देखेंगे आप जो ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसकी ऐप इंफॉर्मेशन डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर परमिशन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ जो लोकेशन है इसको अलाउ करना है ओके। इस तरह से परमिशन अलाउ हो जाएगी। अब आपको चलना है साइट पर, साइट पर आ जाने के बाद अब यहाँ पर क्लिक करेंगे यस अलाउ एक्सेस टू लोकेशन। अगर अभी भी काम नहीं कर रही है, हो सकता है बार बार प्रॉब्लम आ रही हो, तो आपको क्या करना है, फिर से इन थ्री डॉट्स पर जाना है, क्रोम ब्राउजर के सेटिंग पे जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके साइट सेटिंग पे जाना है और यहाँ लोकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट आ रहा है एक्सपेंड ऑल रिक्वेस्ट है, नीचे देखेंगे ब्लॉक वन आ रहा है, ये देखिए वारंटी बोट वाला यहाँ पर दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये अलाउ हो गया है ओके। जब अलाउ जाने के बाद बैक आएंगे, अब आपको क्या करना है, इस तरह से फिर नीचे जाना है यहाँ पर, अब आपको यहाँ फिर से यस अलाउ लोकेशन, इस पर क्लिक करना है, तब जाके देखेंगे ये कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन वाला ये फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ फुल नेम भरना है, जिस नेम से आपने ऑर्डर किया था, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरना है, जो ऑर्डर में मोबाइल नंबर डाला था और जो ईमेल आईडी डाली थी ऑर्डर करते समय, वो यहाँ पर भरनी है। उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना है। इस तरह से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर भरेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे शिपिंग एंड पिकअप एड्रेस, ये आपको एड्रेस वही भरना है जो आपके इनवॉइस यानी बिल में हो, लैंडमार्क जो आपकी पहचान चिन्ह जो आपने डाला हो आपके इनवॉइस में, ठीक है, ऑर्डर करते समय वो भरेंगे, नहीं डाला तो यहाँ छोड़ सकते हैं, लैंडमार्क भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर स्टेट आपकी सिलेक्ट होकर आई है, क्योंकि जैसा कि आपने पहले ही पिन कोड भरा हुआ है। यहाँ पर सिटी अपनी चूज कर लेंगे, यहाँ पर कौन सी सिटी यानी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट ग्रुप ऑलरेडी सिलेक्ट है, प्रोडक्ट का नेम सिलेक्ट है,
प्रोडक्ट की प्रॉब्लम, अब मेन चीज यहाँ पर आती है आपके प्रोडक्ट की प्रॉब्लम क्या है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे इस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम क्या आ रही है, बन या बोथ साइड नॉट वर्किंग, आपके जो माइक इशू है, बटन इशू है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ रेंज इशू है, पावर ऑन ऑफ फेलियर है, चार्जिंग इशू है, बहुत सारे इशू है इनमें जो आपकी प्रॉब्लम हो वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद परचेज प्लेटफॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। आपने ये नेक बैंड किस साइज से परचेज किया था, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, नायका, मंत्रा, ये बहुत सारे हैं, आपने जहां से ये परचेज किया उसे सिलेक्ट कर लें। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर इनवॉइस बिल, आपको जो बिल की पीडीएफ कॉपी है वो यहाँ पर चूज पर क्लिक करके अपलोड करनी होगी, ये चीज ध्यान रहे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकती है, वो बिल आपको यहाँ अपलोड करना है। इनवॉइस डेट, यहाँ पर जो आपने ऑर्डर किया था वो ऑर्डर डेट आपके बिल में होगी, वो ऑर्डर डेट यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करके यहाँ भर दें। ओके, इस तरह से ऑर्डर डेट भर जाएगी। यहाँ पर सीरियल नंबर, ये ऑप्शनल है, यहाँ पर देखेंगे सीरियल नंबर आपको नहीं मिल पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शनल है, इसे भरने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, आप चाहे तो अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपके ब्लूटूथ में जो नेक बैंड है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद आई एग्री विद द टर्म्स कंडीशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। किस तरह से आपकी कंप्लेंट सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएगी, यहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा और आपका टिकट नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। इस टिकट नंबर को आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, इसी टिकट नंबर से आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं स्टेटस चेक करने की तरफ कि अभी हमने सबमिट किया है तो स्टेटस क्या बता रहा है। इसके लिए आपको फिर से गूगल में आना है और यहाँ बोट वारंटी ट्रैक ये टाइप करना है और पहला लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना है, जो कंप्लेंट में मोबाइल नंबर भरा था, और यहाँ टिकट नंबर भरेंगे और ट्रैक पर क्लिक करेंगे। इस तरह से देखेंगे आपकी टिकट का जो स्टेटस है यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर डेट शो करेगी किस डेट में आपने जो है कंप्लेंट रजिस्टर की है। यहाँ पर देखिएगा, वी विल वैलिडेट योर रिक्वेस्ट विद इन 2 बिजनेस डेज, यानी 2 वर्किंग डेज में आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ पर लिया जाएगा, देखा जाएगा। कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक कोरियर वाला आएगा, वो पिकअप करने आएगा। पिकअप करने के लिए आपके पास बॉक्स वगैरह होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो आपका नेक बैंड है वो सही होना चाहिए, वो कहीं पे फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। केवल आपका नेक बैंड ही जाना है, आपको बॉक्स वगैरह नहीं देना है, ठीक है। कंप्लेन दर्ज करने के बाद जैसे आप स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पर पिकअप डेट भी दिखा देगा, कब पिकअप आपका होगा, तो वहां पर बताएगा कि आपको बॉक्स नहीं देना है, केवल नेक बैंड आप दे दीजिएगा, उसके जो बर्ड्स वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए, कहीं से भी डिस्ट्रॉयड ना हो, तभी वारंटी क्लेम होगी, ठीक है। उसके बाद यहीं पर स्टेटस देखते रहेंगे, टेक्निकल टीम आपके इशू को जांचेगी, सब कुछ सही है तो यहीं पर आपका स्टेटस बता दिया जाएगा कि आपका जो इशू जेन्युइन पाया गया। उसके लगभग 3-4 दिन बाद आपका नया, आपका न्यू फ्रेश प्रोडक्ट फिर से भेज दिया जाएगा आपके जो सिलेक्टेड एरिया पिन कोड पर, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से क्लेम कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट पा सकते हैं।